हाँ, तो हमारे पास ना कुछ डेसिमल्स में डेटा था। अब उसमें क्या है कि हमारे पास अंदर जो वैल्यू है वो ये है, और बाहर जो मेरी फॉर्मेटिंग के कारण जो वैल्यू दिखा रहा है वो ये दिखा रहा है। जैसे इसमें है 23.455 जो है मुझे फॉर्मेटेड वैल्यू दिखा रहा है, और एक्चुअल वैल्यू है 23.455465। ये 3 डेसिमल्स में दिखा रहा है, और कई जगह 2 डेसिमल्स में थी, अंदर 3 या 4 कुछ भी डेसिमल्स हो सकते थे। अब प्रॉब्लम ये थी कि उनको जो चाहिए था वो ये डिस्प्ले वाली वैल्यू चाहिए थी, बिकॉज अगर वो इसको कॉपी करके पेस्ट करते और डाटा था ज्यादा तो ये ऐसे आता, क्योंकि इसमें वैल्यू तो राउंड हो जाती है। अगर मैं इसको 3 डेसिमल फॉर्मेटिंग में करता, कई बार मतलब राउंडिंग वाला जो ऑप्शन हो जा रहा था हमारे साथ, जैसे 7.9 है जबकि यहाँ 6.78 है। अब उनके पास डेटा इतना ज्यादा था कि पॉइंट की भी वैल्यू से बहुत गड़बड़ हो रही थी, और उन्होंने कहा कि हमें जो डिस्प्ले कर रही है ना वैल्यू, वही कॉपी करके उठवानी है, पेस्ट करवानी है। तो अब इसको कैसे चेंज करेंगे, है कोई आइडिया? इस तरह की एरर आई है कभी? एरर क्या मतलब, इसको कैसे सॉर्ट आउट करेंगे? आप में से कोई सजेशन किसी के पास? शिखा जी, नातुल जी तो हो गए कोई ऑफलाइन। आइडिया नहीं है इस बारे में। तो ये क्योंकि मेरे को नेट पे भी सर्च करने पे मिली नहीं मुझे ये प्रॉब्लम, कि इसका सॉल्यूशन क्या होगा। तो आपको याद होगा मैंने एक सेल फॉर्मूले के बारे में बताया था आपको, इन्फॉर्मेशन फंक्शन। अब जब मैंने इससे चेक करवाया इसका फॉर्मेट और सेल रेफरेंस दिया, तो इसने मुझे कुछ इस तरह से रिजल्ट दिया। सेल जो है इंफॉर्मेशन फंक्शन है, यहां पे मेरे ख्याल से वैल्यू कुछ गलत है। ये मान लीजिए मुझे 2 तक ही दिखा रहा है, तो ये रिजल्ट था मेरे पास। ठीक है जी, अब ये रिजल्ट क्या बताना चाह रहा था मुझे, इसका मैं इस पे गया, हेल्प ऑन दिस फंक्शन पे गया, मैंने देखा इसमें वेरिएशन आ रही है, तो मतलब कुछ है इसमें, ये मेरी हेल्प कर सकता था। फॉर्मेटिंग ही है, क्योंकि मुझे इसका नाम पता है कि ये फॉर्मेट नंबर फॉर्मेट है, तो मैं इससे ढूंढ मैंने इसमें ढूंढा, मेरे को मिला कि ये F2 जो है ये डेसिमल पॉइंट्स के लिए होता है। और फिर मैंने वेरिएशन देखी इसमें, कि जहां 2 वैल्यू डिस्प्ले कर रहा था वहां 2 दिखा रहा था, जहां 3 वैल्यूज डिस्प्ले करा रहा था वहां 3 दिखा रहा था, जहां 5 डिस्प्ले करा रहा है वहां 5 दिखा रहा है। अब राउंड हो रही थी वैल्यूज इसके अंदर, जैसे 9987 है तो 99 हो रही है, राउंड हो रही है इसका मतलब। अब मुझे मेरे पास सोल्यूशन ये निकाला मैंने कि मेरे को ये चाहिए कि डिस्प्ले में कितनी डेसिमल के बाद वैल्यू आ रही है, उस डेसिमल वैल्यू को मैं उसके पॉइंट्स में रख दूंगा। मतलब जब हम राउंड का फंक्शन लगाते हैं तो ये हमसे कहता है कि कितने डिजिट तक राउंड करूं। तो अब यहां पे मेरे को बता तो रहा है 3, 2, 5 ही है, पर इसके आगे F लगा हुआ है। अब मुझे क्या करवाना था, F को हटाना था, और ये वैल्यू को वैल्यू में चाहिए था, क्योंकि ये अभी टेक्स्ट में होता। सब्स्टिट्यूट जो है टेक्स्ट का फॉर्मूला है, अगर मैं इसमें से F को हटा देता हूं, मैंने पुराना टेक्स्ट सिलेक्ट किया, नया मतलब टेक्स्ट सिलेक्ट किया, ओल्ड टेक्स्ट जो है मेरा एफ है उसको मैंने न्यू टेक्स्ट से रिप्लेस किया ब्लैंक से। ठीक है जी, तो ये मैंने किया और ये वैल्यू मुझे मिली, पर अभी ये वैल्यू नंबर फॉर्मेट में नहीं है, क्योंकि अगर मैं इसको 1 से मल्टीप्लाई करता हूँ अब, या तो ये सोल्यूशन है इसका, और अदरवाइज वैल्यू में कन्वर्ट करना पड़ेगा।
ये फंक्शन लगता। अब ये पूरी तरह से न्यूमेरिक्स में है। अब मैंने क्या कराना था, खाली राउंड के अंदर इसको रखना था और ये वैल्यू जो आई है इसको सप्लाई करना था यहाँ से। अब मैंने इसको ड्रैग किया, कॉपी किया और पेस्ट एज वैल्यूज कर दिया यहाँ। तो मेरा जो रिजल्ट था वो ये था। ठीक है जी, समझ आया मैंने किया क्या? तो ये मतलब मेरी खुद की इन्वेंशन, खुद की खोज थी। आप भी ऐसी खोज करते रहो, नई नई चीजें मिलेंगी। कल एक्चुअली में ना मेरा अर्जेंट एक वो डेमो आ गया था, उसमें यूएस का कोई क्लाइंट था। वहाँ मैंने सुजीत सर को बोला भी था, पता नहीं क्या हुआ उसमें। और एक लाइव एरर दिखाना चाहूंगा। आपको थोड़े से ऐसे मेथड बता रहा हूँ जो डेली आपके सामने मतलब एरर हो के ऑफिस में या कहीं भी आएंगे। अब यहाँ मेरे पास ना कुछ चेक नंबर्स थे, ये मेरे पास चेक नंबर थे। अब चक्कर क्या है, मैंने जब इस पे ना डुप्लीकेट वैल्यूज वाली फॉर्मेटिंग लगाई कंडीशनल फॉर्मेटिंग से, तो जब भी मैं डुप्लीकेट चेक एंट्री कर रहा था, मेरा मकसद ये था कि कोई चेक नंबर इसी में हो, वो अगर आ जाए तो तुरंत हाईलाइट कर दे। पर ये देखिए, अगर मैं सपोज मैं इसको लेता हूँ 23 15 30, मैंने 23 15 30 को टाइप किया तो ये हाईलाइट नहीं हो रहा था। जबकि ये और ये सेम है, ये मैंने ईआरपी से कोई रिपोर्ट किसी ने निकाली थी। फिर मैंने लगाया कि अगर ये डुप्लीकेट जो है ना मैच करने पे ही खाली वैल्यू को करता है, यानी इनमें कुछ फर्क है, तो सबसे पहले मैंने क्या किया, इनकी लेंथ चेक की कि कितनी लेंथ है इसकी। इसने दिखाया 8, और जबकि वैल्यू कितनी डिजिट की है यहाँ, 6 डिजिट की। तो 6 और 8 का तो कोई मेल ही नहीं बनता ना। अब फिर मैंने कहा यार वैल्यू तो दिख नहीं रही, स्पेस हो सकता है। मैं गया तो यहां पे स्पेस भी नहीं था। अब मैंने कहा अब क्या करूं अब, पर मुझे पता था कि अगर 8 दिखा रहा है तो इसमें कुछ कुछ ना कुछ वैल्यूज ऐसी है। तो फिर मैं जब कर्सर मूव कर रहा था, मैंने जब 1 की प्रेस की आगे के लिए, तो ये वहीं के वहीं रुका रहा। मतलब मेरा डाउट था कि जब मैं की प्रेस करता हूं तो आगे बढ़ना चाहिए, इसी तरह से ऐसे ही इसकी शुरुआत में हो रहा था। तो मुझे यहां से ये पता लगा कि 2 करेक्टर इसमें ऐसे हैं जो दिख नहीं रहे हैं, इसके आगे और पीछे। अब आगे और पीछे के लिए मैंने क्या निकाला, मैंने पहले निकाला कि इसके यहाँ पे कौन सा है। मैंने क्या किया, शिफ्ट दबा के एक ये लेफ्ट की प्रेस की और कॉपी कर लिया और यहाँ पे जाके पेस्ट कर दिया अगली सेल में। देन मैंने इसका कोड से कोड चेक किया कि ये कैरेक्टर जो है इसका कोड क्या है। इसने बताया मुझे 363, तो मैंने कैर से वापस कन्वर्ट करके देखा कि ये वही है क्या। तो इसने मुझे दिखाया क्वेश्चन मार्क है ये, पर क्वेश्चन मार्क तो यहाँ दिखाई नहीं दे रहा। और जब मैं इसको इस वैल्यू को यहाँ पे रिप्लेस करने की कोशिश करता हूँ तो मेरा सारा डेटा गायब हो रहा था। अब थोड़ी प्रॉब्लम में फंस गया मैं, मैंने कहा यार क्या किया जाए इसके लिए। फिर अब मुझे पता तो पड़ ही गया था कि ये जो वैल्यू थी इसके राइट पोजीशन में थी एंड लेफ्ट पोजीशन में थी, यानी एक पहले और एक बाद में।
मैंने क्या किया, अपना राइट फॉर्मूला लगाया, इस टेक्स्ट को उठाया और मैंने कहा राइट से जो उसकी लेंथ है उससे एक कम उठा, लेंथ में मैंने रेफरेंस नहीं लिया, ये तो इसने मुझे सारी फिगर उठा के दे दी एक्सेप्ट, क्योंकि ये पीछे से उठाता है यानी इसके आगे अभी भी कैरेक्टर है। इसके बाद मैंने क्या किया, मैंने लेफ्ट से कैरेक्टर उठाए, लेफ्ट से नहीं, लेफ्ट, हाँ लेफ्ट से करेक्टर उठाए और ये टेक्स्ट जो मेरी सही वाली वैल्यू थी उसको सिलेक्ट किया और इसकी वापस लेंथ और -1 कर दिया। और अब मैं इसकी लेंथ चेक करता हूँ कितनी है, करेक्ट जितनी आनी थी, यानी कि अगर मैं इस वैल्यू को यहां पे पेस्ट करूं तो ये हाईलाइट हो रही थी। ठीक है जी, पर इसने एक डाउट मेरे क्रिएट किया, मैंने जब इसे इक्वल टू लगाया ना, लगा के चेक किया तो ये ओके दिखा रहा था, यानी कई फॉर्मूले इस कैरेक्टर को नहीं पकड़ पा रहे थे। तो बहुत सारे फॉर्मूले ट्राई करने के बाद फाइनली मैंने लेफ्ट और राइट का फॉर्मूला लगाया इसमें, तब जाके मेरे को सही आउटपुट मिला। अब मैंने क्या करना था, यही फॉर्मूला उठा के ऊपर से नीचे तक कॉपी कर दिया। ये फॉर्मूला, अच्छा इसमें पहले मैंने इसको कंबाइन किया, ये जो है ये पूरा फॉर्मूला उठाया, यहाँ से कॉपी किया और यहाँ जहाँ C40 लिखा है यहाँ पे मैंने इसको पेस्ट कर दिया। क्योंकि अब फिर मुझे इसकी जरूरत नहीं, अब मैंने ये उठाया और यहां तक पेस्ट कर दिया और फिर इस वैल्यू को उठा के यहाँ पे पेस्ट एज वैल्यूज कर दिया, तो ये मेरा करेक्टेड डाटा आ गया। बस इसमें ये था कि अपना टोटल को OTA ये सब कर दे रहा था, तो इसके लिए मैंने क्या किया, वही ट्रू फॉल्स वाली कंडीशन लगाई थी, ये इक्वल टू, क्योंकि फर्क तो नहीं पकड़ पा रहा था, पर इसने मेरा एक काम आसान कर दिया कि अगर मैं इसको ड्रैग करता तो जहां जहां इसने फॉल्स किया है ना वहीं वहीं गड़बड़ थी। मैंने बस ये क्या किया, टोटल वोटल उठा के इधर वापस कॉपी कर दी। ये यहीं से मैंने सही कर दिए, ये मेरा काम हो गया इधर, एंड देन सारी ट्रू बच गई इसके अंदर, मतलब अब मेरा डेटा सही है। अब ये फाइल उठा के फिर मैंने वापस भेज दी और जब मैंने इस पर कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगाई तो ये काम कर रही थी। अब यहाँ पे मैं डालूँ 23, 15, 30 तो ये डिटेक्ट कर रही थी। तो मतलब ऐसी कई प्रॉब्लम्स आती हैं जो मतलब बहुत ट्रिकी होती हैं, बहुत फंसा देती हैं कई बार। अगर आप किसी सॉफ्टवेयर से कोई डेटा बनाते हैं या किसी पुरानी एक्सेल की फाइल को उठा रहे हैं तो ये प्रॉब्लम कॉमन है, तो आपको इसको डील करने के तरीके पता होने चाहिए और मैक्सिमम ऑफ फॉर्मूले, मैक्सिमम ऑफ उसकी मदद से आप लोग इसको टैकल कर सकते हैं।
बाकी अपने नेक्स्ट एग्जाम्पल पकड़ते हैं कोई और। ये कहाँ से खोल गई? मल्टी डेटा वी लुकअप आपको समझ में आ गया था? मल्टी शीट से हम वी लुकअप कैसे अप्लाई करेंगे? हाँ जी शिखा जी, मल्टी शीट वी लुकअप क्लियर था? हो गया हो गया था। था। हाँ जी, उसके ऊपर हेडिंग हाँ उठाने का मैच का जो फंक्शन मैंने बताया था वो हो गया था? जी। तो अब और थोड़ा सा टॉप 5 टॉप टॉप 10 वाली वैल्यूज निकालते हैं। एक आपको मैंने शायद एक चीज नहीं बताई है, जैसे हम कोई डेटा होता है ना हमारे पास एडवांस फिल्टर है, क्या ये मैंने बताया था आपको? डेटा में जाके यहाँ पे फिल्टर का भी एडवांस वर्जन है। इसमें क्या करते हैं ना, जैसे फिल्टर में आपका डेटा, हम फिल्टर लगाते हैं तो यहाँ से हम अपना डेटा चूज करके उठाते हैं, फिर कॉपी करते हैं और अलग सीट पे ले जाते हैं, जहां भी इस तरह से करना होता है मैं या कुछ भी कहीं भी करना होता है। अब ये देखिए, ये वो वाली प्रॉब्लम दिखा रहा है, जैसे इसके पीछे का डेटा भी कॉपी हो गया है। मेरे पास यहाँ इतनी वैल्यू है पर इसमें पीछे का भी डेटा कॉपी हो गया है। तो इसके लिए क्या करेंगे, ऐसी प्रॉब्लम के लिए मैंने आपको बताया था कि हमारे पास वो होता है, पहले हम फाइंड एंड सिलेक्ट में जाएंगे, गो टू स्पेशल में जाएंगे और विजिबल सेल्स ओनली को सिलेक्ट कर देंगे। देखिएगा सिलेक्शन चेंज हो जाएगा थोड़ा सा, हो गया ना। अब इसे कॉपी करेंगे और जब इसे पेस्ट करेंगे तो पीछे का डेटा नहीं आएगा आपका। दूसरा एडवांस फिल्टर के बारे में बताता हूँ। हमारे पास जैसे क्राइटेरिया है, मैंने एसओ नेम और मंथ ले लिया और क्राइटेरिया में डाल दिया A1 पेंट्स, मंथ जो है मई का डाल दिया। मतलब दो तीन क्राइटेरिया कुछ भी डाल सकते हैं, DPL पे क्राइटेरिया जो भी लगा सकते हैं हम लोग, ग्रेटर देन लेस देन वाला। हम डेटा पे जाएंगे, इस वैल्यू को सिलेक्ट करेंगे, एडवांस पे जाएंगे, एडवांस फिल्टर। अब हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन है कॉपी टू अनदर लोकेशन, ठीक है जी। क्राइटेरिया रेंज हमने यहाँ से दे दिया, ये रहा, और कॉपी टू मैंने क्या कर दिया यहाँ, इधर दिखा दे। ओके, तो उतना डेटा हमको पेस्ट करके दे देता है जो इस क्राइटेरिया से मैच कर रहा होगा। अब मैंने इस पे कर दिया कि जो DPL है वो दिखा दे ग्रेटर देन 2000, ठीक है जी,
डेटा सेलेक्ट कीजिए, एडवांस पे जाइए, क्राइटेरिया रेंज ये चूज कर ली मैंने, और कॉपी टू अनदर लोकेशन, यहीं से कर देता हूँ। ओके, ना एज अ पूरा डेटा नहीं किया इसने। अच्छा कर दिया पर शायद दिखा नहीं रहा, कुछ एरर आती है पता नहीं क्या। DPL ये सिलेक्ट किया मैंने, एडवांस पे गया, कॉपी टू अनदर लोकेशन, क्राइटेरिया रेंज मैंने ये सिलेक्ट कर लिया, ये देखो आ गया आपका, जो 2000 से ऊपर होंगी वही वैल्यूज खाली फिल्टर होके आएंगी। ठीक है जी। दूसरा क्या ऑप्शन है, कभी आपको ना जैसे आपके पास खूब सारा डुप्लीकेट डेटा और यूनिक निकालना हो तो आप बस उसको ऐसे सिलेक्ट कीजिए उस लिस्ट को, एडवांस पे जाइए और यहाँ पे हमारे पास है जैसे कॉपी टू अनदर लोकेशन, दूसरी जगह पे रखना है, हमने कहा यहाँ पे हमारी वो रख दे, क्राइटेरिया कुछ नहीं चाहिए हमें, क्राइटेरिया कुछ नहीं, और जो ये यूनिक रिकॉर्ड्स हमारे पास है, यूनिक रिकॉर्ड्स ओनली, जैसे ही आप ओके करेंगे फिर एरर दिखा रहा है, पुराना वाला रिकॉर्ड उठा के कॉपी कर दे। यहाँ एडवांस पे गए, कॉपी टू अनदर लोकेशन, यहाँ मैंने पेस्ट किया, ओके यूनिक, ये जो सिलेक्शन है ये मैं खाली इस पे कर दूँ, ये एडवांस, ये जी का जो दिखा रहा है ना ये गड़बड़ है, पुराना वाला सिलेक्शन, यहाँ ये कॉपी टू अनदर लोकेशन, यूनिक रिकॉर्ड्स ओनली, एक्सेल में भी प्रॉब्लम आ गया पता नहीं कैसे, यूनिक रिकॉर्ड्स ओनली, एक्सट्रैक्ट रेंज हैज अ मिसिंग और इलीगल फील्ड नेम, अब अपने पे करेंगे ये हो जाएगा, इसमें मेरे में कुछ एक्सेल में प्रॉब्लम आ रही है अभी। डेटा C2 C4 दिस वैल्यू विल बी दिस यूनिक रिकॉर्ड्स, ओके ये देखिए आ गए आपके जो यूनिक नेम में आ गए, मतलब डुप्लीकेसी नहीं होगी इसमें, इनमें या तो कुछ अंतर होगा या पहली वाली इसने हेडिंग ले ली होगी। पहली वाली हेडिंग ले जाता है, हेडिंग देनी होती है इसमें। अभी इसने फुल नहीं लिया, इसमें कुछ प्रॉब्लम है, वैसे यही होता है हेडिंग विदाउट आप लेंगे तो आपको एक यूनिक लिस्ट दे देगा, बाकी आगे और देखते हैं। ऑफसेट और मैच का मैंने बताया था आप लोगों को कि वीलुकअप से हम राइट टू लेफ्ट लुकअप करते हैं, लेफ्ट टू राइट करते हैं, पर राइट टू लेफ्ट अगर आपको करना हो जैसे मतलब यहाँ पे आईडी है आपकी, आपको यहाँ की वैल्यू लेनी है, इसके लिए मैंने बताया था हमारे पास मैच और इंडेक्स का फंक्शन होता है,
इंडेक्स क्या करता है, हमारा किसी भी एरे में से रो नंबर और कॉलम नंबर पे हम के बेस पे उसकी वैल्यू दे देता है। रो नंबर ही ले लेते हैं, कॉलम नंबर ऑप्शनल है, अभी एक सिलेक्शन है तो हम वैसे तो पहली वैल्यू दे दी जैसे। और मैंने कहा दूसरी नंबर पे जो वैल्यू है तो जो सिलेक्शन में दूसरे नंबर की होगी दूसरे की दे देगा, तीसरे की होगी तीसरे की दे देगा। और ये इंडेक्स नंबर ही हम मैच से फाइंड कर सकते हैं, जैसे अब इस लिस्ट में कौन सी वैल्यू कहाँ है। लेट सपोज हम ये वाली सिलेक्ट कर लेते हैं, एम्प्लॉय आईडी, लुकअप वैल्यू जो है हमारी, हमने कहा इसको ढूंढो इस एरे में एग्जैक्ट मैच के लिए जीरो। तो ये दसवीं पोजीशन पे इसने बताया, अगर हमने वैल्यू जाननी है तो हम इंडेक्स सेम एरे पे लगा के रो नंबर जो है इस फॉर्मूले से दे देते हैं। ठीक है जी, तो ये वैल्यू उसने लुकअप करके दे दी। अब जो इसकी रेंज थी ना, हमने लुकअप रेंज जो है इसको हम चेंज कर सकते हैं, मैं इसको ये वाली रेंज दे देता हूँ। तो इस आईडी से जो भी मिलती होगी वैल्यू वो यहाँ उठा के दे देगा। सपोज यहाँ आईडी दूसरी होती, 103 होती, तो ये वो रिजल्ट दे देता। ठीक है जी, तो हम मैच और इंडेक्स के फंक्शन को मिला के अपना साइड वाली वैल्यूज निकाल सकते हैं। इसी तरह से ऑफसेट से निकालेंगे। अब जैसे मैंने यहाँ पे मैच का फंक्शन लगाया था, मैं ऑफसेट का फंक्शन लगा देता हूँ, पर ऑफसेट का जो रेफरेंस है हमारा वो यहां से शुरू होता है, यहां से है रोज कितनी रोज। ऑफसेट जो और मैच के ऑफसेट और इंडेक्स के फंक्शन में जो डिफरेंस है वो जीरो का है। ऑफसेट जो काउंटिंग शुरू करता है 0 1 2 3 करता है, और जो इंडेक्स करता है वो 1 2 3 करता है। तो मैंने जो है मैच जो है नीचे से लगा रखा है, तो यानी फर्स्ट वैल्यू ऑलरेडी जीरो ही है, तो हमें इसमें कोई चेंज करने की जरूरत नहीं। हम यहां से देख सकते हैं कॉलम जीरो, मतलब उसी कॉलम की हमें डेट ला के दे देगा। और किसी जगह पे हम कॉलम चेंज कर सकते हैं, जैसे मेरे को नेम चाहिए, नेम के लिए फर्स्ट ये है 0 तो ये 1 है। तो इस तरह से हम अपना मतलब मैच इंडेक्स और ऑफसेट के जरिए वी लुकअप वाला काम कर सकते हैं। दूसरा एक फंक्शन हमारे पास है सिर्फ लुकअप का, हमने कहा ये रही लुकअप वैल्यू, ये रहा लुकअप वेक्टर, मतलब हमने वही रेंज सिलेक्ट कर ली, और रिजल्ट हमें देना है इसमें से बस। यहाँ पे आपको आ जाता है, ये सबसे आसान फंक्शन है, लुकअप वैल्यू, लुकअप रेंज एंड रिजल्ट रेंज, इस रेंज से रिजल्ट आना है। तो आप इसको भी यूज कर सकते हैं। आगे किसी चीज में डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं, आपके अपने डाउट्स कुछ भी क्लियर होने, क्योंकि हमारे पास कुछ और एक्स्ट्रा है नहीं, यही सब है डेली के रोजेज है, कोई स्पेशल चीज जो आपको पता हो वो पूछ सकते हैं। बाकी मैंने आपको रेफरेंस बता दिए सारे, हमारे पास टेक ऑन द नेट है रेफरेंस के तौर पे, यहाँ से आप एक्सेल, एक्सेस, वर्ड, वीबीए, एसक्यूएल, ओरेकल, बाकी सब चीजों के भी लिंक्स ले सकते हैं। तो एक्सेल में हम लोग ज्यादातर जो फार्मूले की जो दिक्कत होती है वो यहाँ पे WS का मतलब है विंडोज वाले, कैटेगरी वाइज उठा लेते हैं ज्यादा क्लियर होता है, कि कई बार नहीं पता होता कि कहाँ पे हमें मालूम है कैटेगरी उसके अंदर होगा। अल्फाबेटिक है तो अल्फाबेटिक ले सकते हैं,
किसी भी फॉर्मूले को आपको जानना हो आप क्लिक कीजिए, यहाँ से देख लीजिए, आपको एग्जाम्पल तक मिल जाएंगे कि कैसे फॉर्मूला लगाना है। ये आपके पास सैंपल डेटा है, उसका रिजल्ट क्या आएगा यहाँ पे एक्सप्लेन्ड होता है, तो काफी हद तक आपको समझ आ जाएगा ये। और नहीं तो आप लोग यूट्यूब पे जाइए, मैंने आपको जैसे केपीआई डैशबोर्ड का दिखाया था उसी तरह से ही और भी तरीके के डैशबोर्ड होते, मतलब जो वो था काफी अच्छा डैशबोर्ड था। तो आपके पास यहाँ पे दुनिया भर के डैशबोर्ड की जो है क्लासेस वगैरह भी हैं, आप एग्जांपल्स बहुत सारे हैं। ये वाला मैंने आपको बताया था कि एक स्पीडोमीटर वाला आप करके देखें, और इसको मुझे फाइल भेज दीजिए ताकि मुझे पता तो पड़े कि आपने सीखा कुछ नहीं सीखा। और ये समझ आ जाएगा। दूसरा, यहाँ पे एक्सेल पे ही डैशबोर्ड वैसे इतनी बड़ी चीज नहीं है, जितनी सारी चीजें मैंने आप लोगों को बताई हैं उससे आप ना जाने और क्या बना सकते हैं। थोड़ा सा ग्राफिकल लिंकिंग वगैरह करेंगे तो और ज्यादा क्लियर होंगी चीजें। ग्राफिक्स मतलब ग्राफिक्स पे हम लोग काम करेंगे। एक चार्ट के बारे में आइडिया दे देता हूँ। अभी मैं जो ये देख रहा था उस डैशबोर्ड में मुझे कुछ खास दिखा नहीं, पर फिर भी एक चीज दिखी मुझे, वो मैं आपको दिखा देता हूँ क्या थी। ये डैशबोर्ड मैंने डाउनलोड किया नेट से। यहाँ पे मुझे ना ये चीज दिखी, देख रहे हैं क्या कर रखा है इसमें। हमारे पास ये जो है एक्सेल 2013 में स्पार्क लाइंस है, वहां पे आपको मिल जाएगा, बट आपके पास नहीं है तो आप स्पार्क लाइन कैसे बनाएंगे। और हाँ, ये जो चार्ट ऑप्शन है ये वीलुकअप के जरिए भी कॉल हो सकता है, ये एक अच्छा नॉलेज के लिए चीज है। सपोज मेरे पास कुछ डेटा है, वैसे तो हम जनरली क्या करते हैं यहाँ से उनके लिए कंडीशनल फॉर्मेटिंग से भी दिखा सकते हैं, बार्स, डेटा बार्स है जी, पर ऐसी बार्स आप सामने इस पे दिखाना चाह रहे हैं। हमारे पास एक फंक्शन है रिपीट का, और हम उसमें ये लगाएंगे जो हमारा फ्रंट स्लैश के साथ जो होता है ना शिफ्ट से दबाएंगे तो ये आ जाएगा। कितनी बार रिपीट करना है, रिपीट फंक्शन क्या करता है, एक चीज को रिपीट करता है पहले कि क्या रिपीट करना है और कितनी बार करना है। कितनी बार के लिए मैंने यहीं दे दिया इसको, ठीक है जी। हमारे पास थोड़ा सा बार चार्ट आ गया, बोल्ड कर सकता हूँ, इसका फॉन्ट दूसरा होता है मेरे ख्याल से, बुक में। फॉन्ट कौन सा लगा है इसमें, एक स्क्रिप्ट फॉन्ट है, यह आपके इसको मिला देगा। और फिर मैंने इसका टेक्स्ट का कलर जो है अपने मन मुताबिक चूज कर लिया, ठीक है जी। अब जब हर बार जब वैल्यू बदलेगी तो ये चार्ट भी बदलता रहेगा आपका, क्योंकि रिपीटेशन तो आपके ऊपर है, ठीक है जी। इसमें है क्या वो फंक्शन, जब मैं शिफ्ट दबाता हूँ ना इस बटन पे होता है ये वाला है,
अब आप कह रहे हैं कि चार्ट जो है थोड़ा बड़ा आ रहा है, मुझे छोटे में चाहिए, तो आप इस वैल्यू को ना एक कॉमन नंबर से डिवाइड कर लीजिए। कॉमन नंबर जैसे मैं 10 से डिवाइड कर देता हूँ और देन इसको लगा देता हूँ, तो ये छोटा हो गया। ज्यादा छोटा हो गया, मैं इसको 5 से कर देता हूँ, अब कर देता हूँ। ठीक है जी, तो आप अपने हिसाब से चूज कर सकते हैं, इसको कंट्रोल कर सकते हैं। दूसरा, जब मैंने यहाँ पे किसी के आगे पहले तो फॉर्मेट मैंने पेस्ट कर दिया, ठीक है जी, अब ये किसी के आगे था मान लीजिए, इनकी आईडी अलग अलग कर देता हूं। ये इनकी आईडी दे दी मैंने, मैंने उसका फॉर्मेट अप्लाई किया था। यहाँ पे फॉर्मेट अप्लाई किया था मैंने। अब मैं क्या करता हूँ यहाँ, हेलो, अच्छा, यहाँ पे क्या करता हूँ मैं, इनकी आईडी लिख देता हूँ। ये मैंने आईडी लिख दी। अब मैं यहाँ पे वी लुकअप फंक्शन लगाता हूँ, ये लुकअप वैल्यू ये हो जाएगी, डेटा मेरा ये हो जाएगा, कॉलम इंडेक्स मेरा 4 हो जाएगा और 0 फॉल्स। जब मैं इसे ड्रैग करूंगा तो ये मेरे को रिजल्ट दिखाने उस बंदे का चार्ट शो कर देगा। ठीक है जी, तो ये क्लियर है ना, ये ऐसा चार्ट है जिसको हम वी लुकअप से कॉल कर सकते हैं। ये चीज क्लियर है, क्लियर वैसे हम वी लुकअप से चाहें तो फोटो भी लुकअप कर सकते हैं, पिक्चर्स लुकअप करना वी लुकअप के थ्रू। तो उसके बारे में मैं आपको मतलब नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। जब तक यही, आप पुरानी रिकॉर्डिंग देखें, प्रैक्टिस करें, और मेरे को वो पाइवट टेबल का चार्ट और वो केपीआई डैशबोर्ड प्लस में वो स्पीडोमीटर ये सब भी बना के देते तो बढ़िया रहेगा, क्योंकि जाते जाते कम से कम देख तो लूंगा मैं, आपके 2-3 क्लास और लूंगा। और अगर आपको बीबीए करना है तो सुजीत सर से जल्दी ही बुक करवा लें, अदरवाइज उनके पास नया बैच चालू हो जाएगा। और नेक्स्ट वीक में मेरा दोबारा बैच शुरू हो रहा है, अगर आप इंटरेस्टेड है दोबारा करना चाहें, कोई चीज समझ नहीं आए तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है जी, बाकी फिर हम अगले हफ्ते में विदा ले लेंगे, कभी भी मंडे मतलब ट्यूसडे या वेडनेसडे से हो सकता है स्टार्ट हो जाए, मैं बता दूंगा जैसे भी। आप लोग मेरी तरफ से फ्री है, आपकी ट्रेनिंग जो है कंप्लीट हो गई है, और कुछ अगर आपको लगता है कि कुछ रह गया है, आपको किसी चीज में डाउट है तो आप पूछ सकते हैं कभी भी, चाहे वो ट्रेनिंग में हो चाहे बाद में हो, मैं आपके लिए स्पेशल ट्रेनिंग मतलब कर दूंगा, अरेंज कर दूंगा। ठीक है जी, ठीक।
तो ठीक है, फिर कल मिलते हैं। कल कुछ प्रॉब्लम लेके बैठिएगा अपनी कुछ साथ में, सबसे बिल्कुल। बड़े। और लॉ मैं आगे वाली क्लासों में MIS के बारे में थोड़ा बहुत बताऊंगा, कि जैसे कई बार क्या होता है ना, आप लोगों को शीट मिलती होगी और आपको ये समझ नहीं आता मैंने पाइवट लगाना है, इसका डेटा बनाना कैसे ओके है ना, तो उस चीज के बारे में मैं बताऊंगा, ठीक थोड़ा सा डेटा एक्सट्रैक्शन के बारे में, कि हम फॉर्मेट कब बनाएं, क्या जरूरत है हमें फॉर्मेट बनाने की, कैसे बनाना चाहिए। ठीक है जी, तो ये चीजें सब कल डिस्कस करेंगे, उसके रिलेटेड अगर आपके पास कोई प्रॉब्लम हो तो वो लेके बैठिएगा। ठीक है जी, ओके, फिर आज का मीटिंग एंड करते हैं, गुड नाइट। ओके।